कैसे बनता है एक इंसान के कायनात और बड़ी कायनातें उसके सीने में दम हो जाएं आके। कैसे बनता है एक इंसान के उसके वोकल कॉर्ड में वो दर्द हो के सीने उसकी धड़कन महसूस कर सकते हो। कैसे बनता है एक इंसान के इंसानियत उसमें आके दम हो जाए सर। इसके लिए बेटा बड़े असूल चाहिए तुझे, बड़े प्रिंसिपल चाहिए उसके लिए। और उसका सबसे बड़ा स्टार्टिंग प्रिंसिपल है दर्द, तकलीफ, एहसास। वो कहते हैं ना, आग ही कर्ब वफा, आग ही कर्ब वफा, सबर तमन्ना एहसास, मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। पहला उसूल सबर, सबर अपने मिजाज के खिलाफ, सबर अपने अंदर की बदमाशियों के खिलाफ, सबर अपने बेढंगेपनों के खिलाफ, सबर अपने इमोशनल कोशेंट के खिलाफ, सबर अपने इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिपेंसीज के साथ, सबर उम्मीद के खिलाफ। उम्मीद पकड़ो तो खौफ निकल जाए, खौफ पकड़े उम्मीद निकल जाए, दोनों थामे तो इश्क मर जाए। सबर, सबर अपने अंदर की बगावतों के खिलाफ, सबर माजी के गमों के खिलाफ, सबर वो इश्क जो कभी कामिल ना हो सके, वो हुसन जो कभी जमाल तक ना पहुंच सके, वो जमाल जो कमाल तक ना पहुंच सके। सबर इतना सबर, सबर जो अबर बरस ना सके, वो हाथ जो छुट गए, वो साथ जो कट गए, वो मोहब्बतें जो ईफा ना हो सकी और एहद वफा ना हो सके, सबर वो खत जो फाड़ दिए गए, वो दिल जो तोड़ दिए गए, वो साथ जो छोड़ दिए गए, वो कलियां जो फूल ना बन सकी, वो जर्रे जो पहाड़ ना बन सके, वो आतिश जो आतिश फिसा ना बन सकी। सबर अपने शक और शुबात के खिलाफ, सबर के जैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट से ग्रे जोन में आया, सबर, सबर जब वो फोन नहीं उठाते, सबर उठाते हैं तो आवाज वो रोत नहीं लाती, सबर वो समाते हैं, वो सबर जब तेरा गीत ही नहीं बिक रहा हो, आवाम को उसका बादशाह और बादशाह को उसकी आवाम नहीं मिल रही होगी, सबर इस सफर में उन गुमनामियों पे सबर, आसमान के नीचे एक इमाम की तन्हाइयों का सबर, एक कायद की अकेली तन्हाइयों का सबर, बिस्तर पे तड़पती हुई इस रूह का सबर, जंगों में उन धमकियों और तनकीदों पे सबर, ना के दीन के नकद और हसद पे सबर। तो एक बड़ा उसूल जो है वो है कि इंसान अपने नफ्स को रोके उस चीज को करने से जो महल नहीं है उस जगह का। और ये इंसान को उन रस्तों में उठाती है कि यहाँ इतना बनता नहीं, यहाँ इस वजह से नहीं बनता, इस कता से नहीं बनता। जिंदगी के बड़े से बड़े मसाइल बच्चों, वो बेसब्री की वजह से, जल्दबाजियां, तजर्रे, तवक्कुफ को छोड़ना, अभी लम्हा नहीं था, दर्जा बदर्जा करना था मगर तेजियां। आधा उसूल क़यादत का सबर और आधा उसूल जिंदगी का इमामत का है यकीन, सर्टेंटी, यकीन के अल्लाह पे के तीन नुक्तों को से के तीन नुक्ते बनाएगा, यकीन, यकीन के अल्लाह मेरे लिए आसमान से मनो सलवा उतारेगा, यकीन, यकीन अल्लाह अगलों की सफों में जलजले लाएगा, यकीन मेरे लफ्जों को एक दिन जुमले बनाएगा, इस पर यकीन, यकीन के वो कानों को वो समात नसीब होगी एक दिन, यकीन, यकीन के मैं यकीन को एक दिन यकीन दिलाऊंगा, यकीन, यकीन वमन यत्तकिल्ला यजअल लहू मखरजा, ये यकीन के जब चार दरवाजे बंद होते हैं अल्लाह कहता है पांचवा मैं खोलूंगा, यकीन उन बलाओं में, यकीन उन हवाओं में, यकीन जो चली थी तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो अगर इंसान खड़ा है कहीं पर बेहैसियत एक फर्द या बेहैसियत एक जमात या बेहैसियत एक रुकन, द टू मेजर आर्टिकल्स ऑफ लीडरशिप एंड सक्सेस, कि आप अपनी कुव्वत इस्तदलाल और कुव्वत इरादा को मजबूत करें, क्योंकि इंसान के यकीन को शक खा जाता है और इंसान के सबर को शहवत मार देती है। तो अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं या फंसे हुए हैं या पहुंच भी गए हैं, अपने आप को फिर उठाने के लिए उस मकाम पे जाने के लिए, जीत के सफर के अंदर, ये सफर है गद्दारियों का, ये सफर है कि इंसान का दुश्मन बाहर नहीं उसके अपने नफ्स में बैठा है। इसलिए तो कुरान भी कहता है इन्ना नफ्स लमारतुन बिस्सू, तुझे बाहर से नहीं टोपे मारने आएंगी, ये अंदर का आप मार देगा इंसान को।
ये अंदर का आप उसको तंग करे। इसलिए तो बहुत मशहूर मकूला है, इट्स एन अरबिक प्रोवर्ब, कि मन अदरा का सियासत नफ्स ही फकर अदरा का सियासत नास, कि जो अपने नफ्स की गुलाटियों को मास्टर कर गया, जो अपने नफ्स के हाइज एंड लोस को मास्टर कर गया, जो अपने परसेप्शनल डिसऑर्डर से लड़ गया, अपने शक शुभात को मुंह दे गया, वो लोगों की नफ्सियात को भी मान जाएगा, वो लोगों की नफ्सियात को भी मास्टर कर ले। तो बड़े लोग सबसे ज्यादा वक्त अपने साथ गुजारते हैं, अपना मुहासबा करते हैं, हर वक्त मुहासबा करते हैं, देखते हैं क्या चीज कब रिएक्शन करती है, कौन से हालात में कौन सी चीज हिलती है और ट्रिगर करती है। क्योंकि एंड के अंदर ये सारा कुछ जो होना है, ऑल अबाउट योर माइंड, ऑल अबाउट योर हार्ट। और यही कहा था अला वही अल कल्ब, ये दिल का मसला है, ये कल्ब का मसला है।